कृष्ण, राधे राधे। तो पहले तो दर्शन कर लीजिए आप सभी का प्यारे से गोलू का। राधे राधे बोल दीजिए, राधे राधे। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों का बहुत सारे मतलब ढेरों सारे कमेंट आ रहे हैं, गोलू बाबू कहाँ से आए हैं। मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना लेती हूँ, कमेंट पे सबको मतलब मैसेज करना तो पॉसिबल नहीं होता है, तो सोचा है गोलू के लिए एक वीडियो बना लेती हूँ कि गोलू कहाँ से आए हैं और गोलू का नीचे वर्ड कितना है, गोलू का हाइट कितना है, गोलू का वेट कितना है, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आप लोगों का जो क्वेश्चन था उनका आंसर। तो पहले आपको क्या करना है, वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना है। गोलू का प्यारे से वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब के साथ बेल बटन को ऑन रखना है, और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, और आपको तो पता है कमेंट करना है प्यारे से, क्योंकि गोलू को कमेंट करना बहुत पसंद आते हैं। मैं जब आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ ना, तो इतना खुशी मिलता है उनको, क्या बोलूँ आप लोगों को। तो चलिए आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं आंसर देना। गोलू बाबू कहाँ से आए हैं? गोलू बाबू आए हैं वृंदावन धाम से। और आप लोगों का और एक क्वेश्चन है, गोलू को कैसे मिलेगा, हम ऐसे लाला लेना चाहते हैं तो कहाँ से मिलेगा, बताइए उन शॉप का नाम बताइए। तो वो शॉप का नाम है केशव कलेक्शन, और कांटेक्ट नंबर मैं दे दूँगी वीडियो के नीचे, तो आप प्लीज़ कांटेक्ट कर लेना, क्योंकि गोलू हमारी शॉप में ही मिलते हैं, है ना। और गोलू का जो सिंगर है वो कस्टमाइज करवा हुआ है, गोलू ऐसा नॉर्मल में मिलते हैं, गोलू का जैसा देख रहे हो। तो अगर आपको लेना चाहते हैं जो गोलू के जैसे आपको चाहिए सिंगर, तो कस्टमाइज करके मिल जाएगा आपको पूरा एकदम गोलू के जैसे। तो नोट कर लीजिए केशव कलेक्शन, और फ़ोन नंबर आपको स्क्रीन में मिल जाएंगे, तो आप वो नोट करके कॉल कर सकते हैं, है ना। अभी बताती हूँ इनका नीचे वर्ड कितना है। तो पहले बता देती हूँ इनका हाइट और वेट के बारे में। तो हाइट है इनका 19 इंच 18 नंबर लाला, और इनके जो बिगड़े का मतलब बोलते हैं इनके बिगड़े का जो नाम है वो है चीत चोर लाला या माखन चोर लाला, है ना। उनके स्वरूप का नाम है चीत चोर या माखन चोर, ये है उनका स्वरूप का नाम है। और नंबर है 18 नंबर 19 इंच है। और गोलू का आप लोगों का सबसे मतलब बेसिकली जो क्वेश्चन है वो है उनका नीचे वर्ड कितना है। देखिए भगवान का कोई मोल नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम मानव है तो हमें तो एक मोल चुका के भगवान को लाना पड़ता है, है ना। और जब तक ये कृपा नहीं करते तब तक तो आते नहीं है, ये आप सभी को पता है। तो देखिए जैसा है इनका बेसिकली, आपको अगर कस्टमाइज करके ले रहे हैं तो 20 से 30 हज़ार के अंदर मिल जाएंगे आपको, वो मैं आपको कॉन्टैक्ट में बता दूंगी व्हाट्सएप के थ्रू। और अगर आपको ऐसे ही मतलब श्रृंगार के बिना लेना है तो आपको ऐसे भी मतलब जैसे आप श्रृंगार के बिना लेंगे तो मान लीजिए 20 से 25 के अंदर आ जाएंगे। कस्टमाइज कर रहे हैं तो थोड़ा सा उनका अलग चार्ज होगा, ये रहता है ना। तो ये था उनका वेट हाइट और वो कहाँ से आए हैं। तो वो जो आए हैं वृंदावन धाम से, जैसे हम कोई भी विग्रह लेके आते हैं तो वृंदावन धाम से उनको मैन्युफैक्चरिंग में बनवा जाते हैं, फिर वो अपने घर पे जाते हैं, अपने लाला अपने घर पे जाते हैं, उनका अभिषेक पूजा होता है, फिर आप अपना नाम दीजिए उनको, उनके साथ एक रिश्ता बनाइए, फिर उनका पूजन वगैरह स्टार्ट करिए, ऐसा रहता है। देखिए ये क्वेश्चन तो आ रहे हैं जो मुझे भी ये लाला चाहिए, इतना सुंदर है, सच में ये लाला बहुत सुंदर है, और आप सभी का लाला है, गोल्डू सिर्फ मेरा नहीं है, आप सभी का लाला है। और आप तो कभी भी गोलू को देख सकते हो, है ना, कैसे वीडियो के थ्रू, है ना। सबसे मोस्टली क्वेश्चन जो है जो मुझे ऐसा चाहिए, देखिए चाहिए बोलते हुए तो चाहिए ऐसा नहीं होते हैं, उनको भाव और प्रेम से लाना पड़ता है। तो आप भाव और प्रेम तैयार कीजिए, लाला आपके पास आ जाएंगे। और आपके पास जो अगर छोटे विग्रह है, छोटे लाला है, जैसे छोटे छोटे हैं, तो पहले उनको सेवा पूजा अच्छे से कीजिए,
देखिए आप ऐसा नहीं बोल रही हो कि आप नहीं करते हो, लेकिन करते हैं ना आप लोग। पहले करिए, उनको तैयार करिए अपने आप को, फिर गोलू को लाना है। फिर देखिए गोलू को दिल से बुलाइए, गोलू जल्दी से जल्दी आ जाएंगे। मुझे भी गोलू को बहुत दिनों से लाना था, लेकिन नहीं हो पा रहे थे, कुछ कारण बस कुछ ऐसे ही तो नहीं आ पा रहे थे। लेकिन गोलू को जब हम बहुत दिल से बुलाए, और जब भगवान का मन होता है ना कि नहीं मुझे अभी जाना है, तो वो जल्दी आ जाएंगे। तो आपके घर पे भी नहीं प्यारे लाला जल्दी आ जाएंगे। क्या करना है, केशव कलेक्शन में आपको कांटेक्ट करना है, तो आपको मिल जाएंगे। ये है गोलू का आने का और उनका निचोड़, उनका हाइट वेट सब। तो ये क्वेश्चन शायद आप लोगों को आंसर मिल गए होंगे। और भी कुछ अगर हराया गया है तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगी उसका भी आंसर देने के लिए। और कुछ अगर गलती हो गई तो मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मुझे इतना अच्छे से बोलना नहीं आती है और मैं इतना समझ में नहीं है कि कैसे क्या है। देखिए मैं तो एकदम प्रेम और भाव से प्यार करती हूँ इनको, और मतलब मैं एकदम बच्चे की तरह पालती हूँ। ऐसा नहीं जो भगवान है तो उनको बिठा दिया और उनको खिला दिया, वैसे नहीं। ये हमारे बच्चे हैं, तो इसे बच्चे को हम उसी तरह से ट्रीट करते हैं जैसे हम अपने बच्चे को करते हैं। उनका देखभाल उसी तरह से करना पड़ता है जैसे एक नन्हे से बच्चे को करना पड़ता है ना। तो बोलो अभी सबको बोल दो जी, ये हमारा इंट्रोडक्शन था। तो कैसे लगा? और एक बात, गोलू का नाम गोलू नहीं है, गोलू का नाम है गोपीनाथ। जब हमने उनका अभिषेक किया था, उनका नामकरण किया था, तो उनका नाम हुआ था गोपीनाथ। लेकिन हम प्यार से गोलू बोलते हैं, जो आप लोगों को भी बहुत पसंद आते हैं, और आप लोग भी गोलू को गोलू ही बोलते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर किसी का क्वेश्चन रह गया कुछ, तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कर दीजिए और मुझे बता दीजिए मैसेज में या कॉमेंट में। चलिए आज के लिए राधे राधे, फिर मिलते हो। हरे कृष्णा।